नमस्कार दर्शकों, अमरोहा की आवाज में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। जनपद अमरोहा में पुलिस अधीक्षक आदित्य लांगे के निर्देश पर अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाकर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। वहीं जनपद अमरोहा के नगर कोतवाली पुलिस ने देर रात गोकशी की सूचना पर बाद पुलिस मुठभेड़ तीन अभियुक्त गिरफ्तार किए। मुठभेड़ के दौरान एक अभियुक्त के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया, जिनके कब्जे से अवैध असलहा, गोवंशीय मीट, कटान के उपकरण एवं एक मोटरसाइकिल बरामद हुई। आपको बता दें कि दिनांक 17 मार्च की सुबह थाना अमरोहा नगर पुलिस ने अकबरपुर पट्टी रोड पर गोकशी की सूचना पर बाद पुलिस मुठभेड़ तीन अभियुक्त सलमान पुत्र राशिद निवासी ग्राम ढकिया चमन थाना डिडोली जनपद अमरोहा, नूर पुत्र शरीफ निवासी मोहल्ला लकड़ा थाना अमरोहा नगर जनपद अमरोहा व जलील अहमद पुत्र खलील अहमद निवासी मोहल्ला बेगम सराय खुर्द थाना अमरोहा नगर जनपद अमरोहा गिरफ्तार किए गए, जिनका एक साथी अंधेरे का लाभ उठाकर मौके से फरार हो गया। मुठभेड़ के दौरान अभियुक्त सलमान के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया। अभियुक्तों द्वारा एक राय होकर पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया, जिससे पुलिस टीम बार बार बच गई। इस दौरान पुलिस ने बदमाशों की जवाबी फायरिंग से एक अभियुक्त को गोली मारकर घायल कर दिया, जिसमें एक अभियुक्त अंधेरे का फायदा उठाते हुए मौके से फरार हो गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से एक तमंचा, मैं दो जिंदा, एक खोखा कारतूस, 315 बोर, गोवंशीय मीट व कटान के उपकरण और घटना में प्रयुक्त हीरो होंडा ग्लैमर बाइक बरामद हुई। घायल अभियुक्त सलमान को उपचार हेतु जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। गिरफ्तारी और बरामदगी के संबंध में अभियुक्तगढ़ के विरुद्ध थाना अमरोहा नगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। पूछताछ के दौरान बताया गया कि गिरफ्तार अभियुक्तगढ़ छात्र किस्म के गोकशी के अपराधी है, जो आर्थिक लाभ कमाने के लिए गोवंशीय पशुओं का वध करते हैं। गिरफ्तार व घायल अभियुक्त सलमान उपरोक्त के विरुद्ध गोकशी गैंगस्टर आदि से संबंधित करीब 12 अभियोग पंजीकृत है। और इसी के साथ देखते रहे अमरोहा की आवाज़।